सजना सारे नेक पूरे हुए फिरे हुए और रानी सरोजी की शादी कर राजा उत्तान पर जब लेकर के बरात वापस रानी सुरुचि के डोले को लेकर के आ रहे, एक तरफ आगे आगे राजा का रथ, साथ में बरात और पाछे पाछे रानी का डोला। सजना बताया जाता है कि रानी ने तीन वचन बरवा करके चार चीज मांगे। जो तीन चीज तो पहले ले ली, तीन वचन तो यानी पहले ले लिए, एक वचन उधारा रख लिया और कह दिया कि महाराज किसे एक वचन किसे टाइम पे लूंगी, कि महारानी तेरी मर्जी। सैना बरात अवधपुरी में पहुंच जाती है, राजा रानी अपने महलों में आ जाते हैं। रानी सुरुचि ने जो डोले को राजा के बाग में रुकवा दिया, जो महल से कुछ काफी दूर था, काफी देर हो गई डोले को रुकते हुए। राजा इंतजार कर रहा है, रानी सुनोती आरती का थाल सजा के सखियों के साथ में दरवाजे पर खड़ी है अपनी छोटी बहन का आरती करने के लिए। उधर सुरुचि ने डोले को बाग में रखवा दिया और यूं कहने लगी, जो तीन वचन तो पहले ले लिए, चौथा वचन यही लूंगी और ये मौका है। सैनो उन कहारों से कहा, रे कहार ये डोला यही रोक दो और राजा को यही बुलवाओ और राजा से कहो कि रानी सुरुचि का डोला बाग में है और वो आपको बाग में बुला रही है। दो कहर गए और राजा से जाकर के कहा कि महाराज छोटी रानी ने डोला बाग में रुकवा रखा है, आपको बुलाया है, आपको चलना होगा। सजनाओ राजा दौड़े भाजे आए और रानी सुरुचि से किस तरह से आपस में बातचीतें होती हैं, यहां राजा के और छोटी रानी के यानी नई बहू के सवाल जवाब हैं। दादा लक्ष्मीचंद जी के लिखे हुए जोरदार ताली मैं और मेरे साथ मैडम दिनेशा गुड़गावा, आइए सुनिए किस तरह से दोनों के बीच में ये सवाल और जवाब होते हैं। इस किस्से की ये तीसरी अग्नि आप लोगों के बीच में चल रही है। जरा सा भी थोड़ा सा भी किस्सा पसंद आ रहा है भाई, दोनों हाथों की जोरदार तालियों का प्यार और आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों की तरफ से मिले। आइए सुरुचि जी। महाराज तुमने अपने डोले को बाग में रखवा रखा है, हाँ क्या मैं कोई कारण जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकते हैं। क्या कारण है कि बाग में आपने डोला रखवा दिया? बाग में मैंने डोला इसलिए रखवाया है कि मैं महलों में जाना नहीं चाहती हूँ। महलों में जाना नहीं चाहती? नहीं। कैसे, बागों में रहेगी? बागों में भी नहीं रहूंगी। और मेरी कुछ शर्तें हैं और जो आपने कुछ शर्तें पहले मान ली है और अभी मेरी जो एक शर्त बाकी है वो मुझे अभी चाहिए महाराज। ये पाछे पाछे सारा काम आ लिया तो आने दो, और तुमने अपना डोला बाग में रखवा लिया। अच्छा मैं कहता हूँ कि जो भी कहना है, जो भी सुनना है, जो भी मांगना है, जो भी तुम्हें अपने रहने की व्यवस्था करानी है, हाँ महल में जाकर के मेरे से बोलना। बिल्कुल भी नहीं, और मेरे से नहीं बल्कि अपनी माँ जाई जो तुम्हारे तो माँ के समान है, अपनी बड़ी बेबे से बोलना। मैं नहीं जानती मेरी माँ की जाई कौन और कौन महारानी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं मेले में कदम नहीं रखूंगी जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती महाराज। तुम्हारी बात कौन सी अधूरी रह गई है? अभी बताती हूँ मैं। अरे कम से कम मेलों के लिए तो चलो। बिल्कुल नहीं महाराज, जो भी बात होगी यहीं पर होगी, इससे आगे भी कदम नहीं रखूंगी मैं। अच्छा पहले बात यहाँ पूरी होगी उसके बाद आगे चलेगी? हाँ उसके बाद आगे चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में फर्क आ लिया। अच्छा हाँ दिमाग में फर्क नहीं महाराज, मैं तो दिमाग से काम ले रही हूँ जो आप नहीं देख पा रहे। अच्छा जो एक वचन उधारा इसमें क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि वो जो आपकी महारानी है जिसे आप महारानी महारानी कर रहे हो उसे महलों से बाहर निकालिए और मेरा डोला जब जाएगा जब वो बाहर निकल जाएगी। साथिया जोरदार तालियां हो जाए। छोटी रानी ने जो सगी बहन जिसने बाग में डोला रुकवा करके ये कह दिया कि महाराज महलों में जब कदम रखूंगी पहले मेरी शौक को बाहर निकालो, उसे महल से बाहर करो, महलों में अधिकार मेरा है ना कि उसका कोई अधिकार नहीं है।
सजना राजा गमगीन हो गया, उदास हो गया। राजा का दम ऊपर का दम ऊपर और नीचे का दम नीचे, दोनों के बीच में सवाल जवाब दादा लक्ष्मीचंद जी के लिखे हुए। सुनने रानी मेरी बात, कहिए महाराज और मेरी सुनिए। रानी मेरी बात सुन, मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ आप महल के लिए। चलो। नहीं महाराज, मुझसे निवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात, कहिए अपनी बात। ओ रे घर में राड़ जगावने आली, अच्छा दकबीर नहीं हो श्याणी, अपनी भी कहते। अरे उसने घर ते बाहर काट जो शोक दूसरी रानी, उसने घर ते बाहर काट जो शोक दूसरी रानी। चाहिए अभी तो महाराज मैंने कुछ कही नहीं है, अभी तो मेरी जो जो मन की है ना, अभी तो वो कहूंगी मैं। तेरी बड़ी बहन है, अच्छा। और बड़ी बहन छोटी बहन के लिए एक माँ के बराबर होया करे। मेरी तो माँ है, मेरी बड़ी बहन कोई नहीं है महाराज। कोई नहीं है ना, मैं नहीं मानती उसे बड़ी बहन। एक बात बता, कौन सी के मिल जाता तन्ने उसके, वो के मिल जाता तन्ने उसके, दर्द का तन्ने देते आनंद काया हो जा उसने हवालात में देखे। क्यों रानी की जात बिगाड़े
सहजो मेरी छाती में खटके सहजो ये दर्द भरी तेरी वाणी कुंडा भरा दही का करते कर दे का गुड़ानी उसने कर तुम्हारे कार्ड से और महाराज आप जो बार बार उसकी सिफारिश कर रहे हैं बार बार बड़ी रानी मेरी बहन कर रहे हैं क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ तुम भी मेरी रानी हो तो फिर और वो भी मेरी रानी महारानी है तो क्या मेरी बात नहीं माननी चाहिए लेकिन छोटे बड़े का छोटा थोड़ा बहुत तो फर्क हो जा करे अच्छा अरे मुझसे ज्यादा तो उसका आदर और सम्मान आपको करना चाहिए मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं उन महलों में जाऊँ तो वहाँ पर वो होनी नहीं चाहिए मेरी आंखों के सामने दिखनी नहीं चाहिए महाराज मेरी माता बहनों देख लो बड़ी ने कोई बुरा तो कराया नहीं इसके साथ में अच्छा और आज जो करिए बड़ी ने करते बाहर निकाल हाँ कड़वा के मानूंगी कड़वा के और क्या कहा तूने कि दौड़ा बाना कर दे हाँ दौड़ा बाना कर दे और बांस हाथ में दे दे उसके और का गुड़ानी कर दे उसे यहाँ से देखिए शास्त्री जी बहुत बढ़िया कह रही है गैल शास्त्री भी जाएंगे लेकिन तेरी खातिर वो ठीक रहेगी बात गौर से सुन ले बताइए तेरी खातिर वो ठीक रहेगी ना एल फेल में पावे जाना इसी दासी की ना मेरी टहल में पावे एक करवासी पड़ी रहे वा एक करवासी पड़ी रहे ना मेरी गैल में पावे चालूगी तेरी गैल वा नहीं महल में कोई खोट नहीं है कोई दोस्त नहीं है उसने कोई अरे उसने तो गुनाह किया है महाराज बहुत बड़ा अपराध किया है अपराध हाँ कौन सा अपराध मेरी गल्ला किया है उसने अपराध और क्या किया है हाँ अरे मेरी जवान अवस्था अच्छा और एक बुड्ढे के संग ब्याह करवा दिया मेरा शर्म नहीं आई उसे ये अपराध किया है उसने ये उसने अपराध किया हाँ अच्छा तुझे क्या चाहिए मुझे बस इतना चाहिए कि जब मैं उन महलों में जाऊं वो मुझे दिखनी नहीं चाहिए वो मेरी आंखों के सामने आनी ही नहीं चाहिए महाराज जिस कमरे में तू रहेगी उसमें नहीं आएगी नहीं मुझे कमरा तो नहीं चाहिए मुझे पूरा महल चाहिए पूरा महल कोई बात नहीं वो बाहर पड़ी रहेगी मेरे लेके कहीं छोड़ दो उसे लेकिन मेरे आंखों के सामने मेरे महल के दूर दूर तक नजर नहीं आनी चाहिए अरे वो तेरी दासी बन के रह लेगी अरे नहीं चाहिए दासी दासी बतेरी है मेरे पास ये नई नई दासी है अच्छा और वो पुरानी है वो सारे सारी बातों के बारे में जाने सब जान रही हूँ मैं मेरी मेरी बर कह के आप अपने पास रखना चाहते हो वो इन महलों में सारे नौकर चाकर दास दासियों को जाने ओहो वो अवधपुरी की प्रजा को जाने अच्छा और घर में एक आध बड़ी बूढ़ी जरूर होनी चाहिए ओहो
क्योंकि तुझे जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान उसको है जीवन का, अच्छा तेरे लिए ठीक रहेगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कह दिया आपसे। देख रानी का कुछ खोट नहीं, क्यों काटे से दिन ताड़े। घर के बाहर काट दो, सोख दूसरी रानी।